हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। और केरला T20 ट्रॉफी लीग के एक और महामुकाबला मैच में जो खेला जाएगा DCA कोझिकोड वर्सेस DCA एर्नाकुलम के बीच में। देखो भाई लोग, आपको क्या करना है, आपको बस वीडियो को अच्छे से वॉच करते रहना है। अगर आप वीडियो को अच्छे से वॉच करके जाते हैं तो 110% आप यहां से अच्छा प्रॉफिट करके जाएंगे, क्योंकि यहां पर हम आपको परफेक्ट टीम, विनिंग टीम देते हैं। जो भी बंदे यहां से अच्छे से वॉच करके जाते हैं उनका टीम बहुत कमाल का बनता है, क्योंकि हम आपको बताते हैं कि आपको अपने टीम में कैप्टन, वाइस कैप्टन, कौन से ऐसे परफेक्ट खिलाड़ी होंगे जिसे अपनी टीम में कर सकते हैं। हम आपको बताते हैं ऐसे लॉजिकल 5 पंटर खिलाड़ी के बारे में, जो पंटर खिलाड़ी आपकी टीम को बहुत अच्छा प्रॉफिट करके जाते हैं और वो ट्रम्प प्लेयर साबित होते हैं। ठीक है भाई, हम आपको बताते हैं कि आपको अपने टीम में कैसे कैप्टन वाइस कैप्टन कम्बिनेशन करना है, कितने खिलाड़ियों का कम्बिनेशन करना है। हम आपको बताते हैं कि आपका 8 से 9 खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म तो करता है, लेकिन 2 से 3 खिलाड़ी अच्छे परफॉर्म नहीं करते हैं, इसमें आपका कैप्टन वाइस कैप्टन भी शामिल हो सकते हैं। ठीक है भाई लोग, हम आपको बताते हैं कि आपका 8 से 9 खिलाड़ी का और यहाँ पे कम्बिनेशन जितने भी सारे का अपडेट होती है सब कुछ हम आपको बताते हैं। तो आपको क्या करना है भाई लोग, आप लोगों को बस वीडियो को अच्छे से वॉच करते रहना है। देखो भाई लोग, अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो देर मत कीजिए, टेलीग्राम पे आ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम पे जितने भी बंदे जुड़े हुए हैं सभी बंदे यहाँ से अच्छे प्रॉफिट करके जा रहे हैं भाई लोग, क्योंकि यहाँ पर आपको विनिंग टीम दी जाती है और ऐसी लॉजिकल टीम दी जाती है जिससे आप अपना टीम बेहतर से बेहतर बना सकते हैं और बेहतर विनिंग करके जा सकते हैं। ठीक है भाई लोग, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, टेलीग्राम पे आ जाइए। टेलीग्राम पे आपको सारा अपडेट, मैच से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और प्लेयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जितनी भी जानकारी होती है सारा कुछ आपको टेलीग्राम पे दी जाती है। तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम पे आ जाइए। ठीक है भाई लोग, चलिए अब बात करते हैं आज के मैच के, जो केरला T20 का मैच है, इसमें कि ओडी वर्सेस ईएल के बीच में होगा। अब इसमें सबसे पहले हम लोग भाई लोग बात करेंगे कि आज का मैच जो है वो पिच कैसा रहने वाला है, किसकी फेवर में जाएगा, बल्लेबाज को या फिर बॉलर को अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन करना है, कैसे आपको करना है वो देख लो। तो भाई यहाँ पर जो आप देखेंगे, जो मैच खेला जाएगा STXVR कॉलेज ग्राउंड में थुम्बा में। ठीक है भाई लोग, अब यहाँ का आप अगर देखेंगे पिच का बिहेव, तो पिच का बिहेव आपको नजर आएगा कि ये बैटिंग नहीं बॉलिंग फ्रेंडली पिच होने वाला है और यहाँ पर गुड फॉर पेसर, मतलब आपको ज़्यादा फोकस जो है ऑलराउंडर पर और बॉलर पे करना पड़ेगा, क्योंकि इस पर आपको इन स्विंग और आउट स्विंग दोनों देखने को मिल जाएंगे इस पिच पर। ठीक है ना भाई, चलिए अब बात करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात की कि आज के मैच में आप अपने टीम में कौन से ऐसे खिलाड़ी होंगे जिस खिलाड़ी को अपने टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं भाई, क्योंकि ये जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन का रोल। तो आप अपने टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन किस खिलाड़ी को कर सकते हैं वो जरा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो भाई, यहाँ पे हमने आपको टोटल 4 खिलाड़ी दिया है, अब 4 खिलाड़ी को कैसे यूज करना है वो देख लो। टीम 1 में आपको क्या करना है, आर कुन्नुमेल को और यहां पर आप एस शिवराज को, इसे अपने टीम में एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 खिलाड़ी आप अपने टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन यूज करना है। दूसरे टीम में आपको क्या करना है भाई, SKV और यहां पर अभी थम्पी को, इसे अपने टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन करना है। ये जो हमने आपको 4 खिलाड़ी दिया है कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, आप एनालिसिस देख लो या फिर आप डाटा निकाल के देख लो, आपको जो भी अपडेट देखना हो देख लो, रिसेंट फॉर्म देख लो भाई लोग, तो आपको पता चलेगा जो हमने खिलाड़ी दिया ये खिलाड़ी का परफॉर्म बहुत तगड़ा रहा है और अपने टीम में आप इसे यूज कर सकते हैं एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन के रोल में। ठीक है, क्योंकि इनका भूमिका आज के मैच में भी बहुत तगड़ा रहने वाला है। चलिए अब बात करते हैं ऐसे लॉजिकल 5 पंटर खिलाड़ी के बारे में, जिस पंटर खिलाड़ी को आप अपने टीम में लेकर के चलेंगे तो आपका टीम बेहतर से बेहतरीन होगा और आप यहां से अच्छा प्रॉफिट करके जाएंगे, क्योंकि सभी का ध्यान जो रहने है भाई लोग वो रहने वाला है हाईएस्ट सिलेक्शन पर। ठीक है, सभी का ध्यान जाएगा हाईएस्ट सिलेक्शन की तरफ, लेकिन हम जो आपको बताएंगे ऐसे लॉजिकल 5 पंटर खिलाड़ी के बारे में, अगर उस पंटर खिलाड़ी को अपने टीम में यूज करेंगे तो आपका टीम जो है वो बहुत कमाल का बनने वाला है। ठीक है ना भाई, तो यहाँ पर हम आपको लॉजिकल ऐसे ही कुछ खिलाड़ी देंगे जिस खिलाड़ी को जरूर से जरूर अपने टीम में इस्तेमाल करना चाहिए और वो खिलाड़ी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखो भाई, यहाँ पे टोटल हम आपको 5 खिलाड़ी देंगे एज अ पंटर जो कि ट्रम्प कार्ड आपके लिए साबित होंगे, जिसमें से कि एम असलम और यहाँ पर एम कसीनाथ और वी अभिराम को अपने टीम में यूज़ करना है, मतलब ये 3 खिलाड़ी को अपने टीम 1 में यूज़ करना है टीम 1 में। ठीक है, टीम 2 में आपको क्या करना है, ए बबुअन को और यहाँ पर आई आफ्ताब को, इसे अपने टीम में एज अ पंटर यूज कर लेना है। ये जो अब आपके 5 प्लेयर हैं, इसमें से आप चाहे तो 5 में से एक को ड्रॉप कर देना, लेकिन 4 खिलाड़ी को जरूर से जरूर अपने टीम में लेकर चलना भाई लोग। ठीक है, ये 4 खिलाड़ी आज के मैच में आपके लिए परफेक्ट पंटर होने वाले हैं जो आपके लिए ट्रम्प कार्ड साबित होने वाले हैं, तो इसे जरूर अपने टीम में इस्तेमाल कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं कि आप आपको अपना टीम कैसे बनाना है और कैसे कम्बिनेशन करना है, कितने खिलाड़ियों को लेकर के चलना है किस टीम में वो देख लेते हैं। तो यहां पर हमने टोटल 5-6 का कम्बिनेशन बनाकर रखा हुआ है अपनी टीम में, जिसमें से विकेट कीपर में हमने 2 विकेट कीपर इस्तेमाल किया है, एस राज को और ए सजीत को, और बैटर में
हमने यहाँ पर चार बैटर यूज किए हैं, जिसमें से कि आर कुमेनेल और ए बसीत और यहाँ पर ए अमीर शाह और एम असलम मेरी टीम में होने वाले हैं। ऑलराउंडर में हमने यहाँ पर तीन ऑलराउंडर यूज किया है भाई, जिसमें से वीपी कुमार, एसकेवी और अखिल एमएस मेरी टीम में होने वाले हैं। और बॉलर में हमने यहाँ पर दो बॉलर यूज किया, जिसमें से कि बी थम्पी और पी नपल मेरी टीम में होने वाले हैं। ठीक है, देखो भाई, कैप्टन हमने यहाँ पर आर कुनेमेल को बनाया है और वाइस कैप्टन एसकेवी को। ये फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।